खौफ में तृष्णा की तरफ देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे डरे हुए लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। तृष्णा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो चिल्लाती हुई मृगांका के पास आने की कोशिश कर रही थी। मौसी, मौसी, मैंने किसी को नहीं छुआ। मौसी मुझे ले चलो, मौसी मुझे ले चलो, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। लेकिन तृष्णा का उसकी तरफ चलकर आना भी मृगांका के लिए खतरे से कम ना था। तृष्णा की आवाजें बदलती जा रही थी। एक आवाज मृगांका से मदद की गुहार मांगती और बाकी आवाजें उसको मौत की धमकी देती। अगर पास भी आए ना तो ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। मृगांका भय में थी, लेकिन अभी उसके लिए ज्यादा जरूरी बचे हुए लोगों को वहां से निकालना था। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवा से हवेली की हिलती खिड़कियां लाशों को भी भयभीत कर देने वाली थी। लोग चिल्ला रहे थे, मृगांका से मदद की गुहार कर रहे थे। मृगांका हमें बचा ले, मृगांका इसे शांत कर। तृष्णा ने एक नजर एक गांव वाले को देखा और उसकी आंख सुलगी हुई आग की तरह लाल हो गई। मुझे शांत कराएगा, भूल गया कैसे मुझे नींद से उठा उठा कर मारा करता था तू? हाँ, ये सुनकर वो आदमी खौफ में वहां से भाग ही रहा था कि तृष्णा के गुस्से के प्रकोप ने उसे झांसे में ले लिया और मार डाला। फिर तृष्णा के अंदर से एक डरी हुई आवाज आई। मुझे बचा लो मौसी, मुझे दर्द हो रहा है। मृगांका ने चारों तरफ देखा और फिर अपने गिरुए घाघरे की जेब से एक पोटली निकाली। पोटली को देखते ही तृष्णा, जो अभी तक समझ रही थी कि सब कुछ खत्म कर ही यहाँ से जाएगी, अचानक से डर गई और गुस्से में मृगांका की तरफ बढ़ने लगी। मुझे काबू में करेगी तो इतनी जरूरत तेरी, देख अब। और ऐसा कहते ही उसके अंदर की सताई हुई आत्मा ने तृष्णा को हवा में उछालना शुरू किया। तृष्णा के अंदर की एक आवाज मृगांका से उसे बचाने की गुहार लगाती, लेकिन दूसरी आवाज तृष्णा को खत्म कर देने की धमकी देती। मृगांका ने गुस्से से तृष्णा की ओर देखा और बुलंद आवाज में कहा, तू जो भी है मुझे डरा नहीं सकती, ना मेरी बच्ची का बाल भी बांका कर सकती है। और ऐसा कहते ही मृगांका ने हवा के सहारे लटकी हुई तृष्णा के इर्द गिर्द राख की रेखा बनाई। तृष्णा के अंदर की आवाजें उस पर और हावी हो गई, लेकिन वो उसे कुछ करती उससे पहले मृगांका ने मुट्ठी पर राख लेकर तृष्णा के ऊपर फेंक मारी। तृष्णा जोर से चिल्लाई, कभी अपनी आवाज में, कभी अंदर से आ रही चार पांच आवाजों में जो उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी। कुछ गांव के लोग भागते हुए ये दृश्य देखकर अचानक से रुक गए। तृष्णा ने गुस्से में उन्हें देखा और बिखरी हुई लाशों को अपनी जादुई विद्या से गलाना शुरू किया। लेकिन उससे पहले कि पूरा गांव सड़ी हुई लाशों की बांस से बेहोश हो, मृगांका ने मदन की ओर देखा जो मसान में काम करता था और उसे हर लाश को आग लगा देने को कहा। मदन, जो ये सब देखकर खौफ और असमंजस में था, कुछ देर के लिए एकदम सुनने पड़ गया। लेकिन मृगांका के पास अभी उसको कुछ समझाने का वक्त ना था। उसने चिल्लाकर कहा, आग लगा सारी लाशों को। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर अपनी माँ और बेटे नमन के साथ जीप में वहां से दूर निकल चुका था, लेकिन नमन की नजर अब भी हवेली की तरफ ही थी। नमन की आंखों के सामने जो भी घटित हुआ वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक लड़का जिसने अपनी लगभग पूरी पढ़ाई बाहर की है, वो इस तरह की बातों में भला इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लेता। उसको रह रह के अपनी बहन सपना का चेहरा याद आ रहा था। उसकी आंखें अब तक गीली थी, लेकिन सपना के साथ ऐसा क्या हुआ वो ये समझ पाता। उसे पहले अंतिम क्रिया वाले हादसे ने हिला कर रख दिया। अपनी बहन को कुछ डेढ़ साल बाद मिला था वो, और ऐसे अचानक वो हमेशा के लिए उसको छोड़कर कैसे चली गई। एक 12 साल की लड़की की मौत में दूसरी 12 साल की लड़की ने जो भी प्रलय मचाई है, उसका जवाब कैसे और कहां से ढूंढे। नमन हमेशा घर से इतना दूर रहा कि इस वक्त कौन सही होगा, किससे बात करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये उलझती गुत्थी कैसे और कौन सुलझाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। वो बार बार अपनी दादी को पूछ रहा था कि अम्मा, उस लड़की को क्या हुआ था, सपना की लाश कैसे। लेकिन वो आगे बोलता उससे पहले छोटे ठाकुर की मौत से बिलखी दादी ने उसे चुप कराकर भारी आवाज में कहा, चुप कर और पीछे देखना बंद कर, जाने कौन से शमशान की जान को लाई थी साथ, मेरे छोटे बेटे को खा गई, गांव वालों को खा गई, पूरी हवेली को शमशान बना दिया। और फिर बड़े ठाकुर को देखकर कड़ी आवाज में बोली, मायापुर के बाहर जोधरगढ़ में जो अपनी हवेली है, अब हम वहीं रहेंगे जब तक इस मृगांका और उसकी इस नाजायज लड़की को तू ठिकाने नहीं लगाता।
ये सुनकर नमन बहुत चक्कर रह गया और हकलाती हुई आवाज में बोला, ठिकाने लगाने का क्या मतलब है अम्मा? सपना का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। अगर मेरी बात मानी होती तो ये सब ना होता। मृगांका को जबरदस्ती क्रियाकर्म करने को नहीं कहना चाहिए था। लेकिन नमन की बात का जवाब ना ही ठाकुर ने दिया, ना ही अम्मा ने। नमन के मन में बहुत से सवाल थे। उसे कभी किसी ने नहीं बताया था कि उसकी माँ कैसे मरी। कैसे यकीन करे नमन कि उसकी बहन सपना, जो एक घंटे पहले ही उसके साथ हंस खेल रही थी, उसने अचानक खुद को फांसी लगा दी। और 12 साल की तृष्णा को सपना की लाश को छूते ही ऐसा क्या हुआ कि गांव में दहशत फैल गई और लोग मरने लगे। नमन कुछ दिन रुकना चाहता था, लेकिन अम्मा और ठाकुर ने उसे वापस दिल्ली भेजने का तय कर लिया था। ठाकुर ने अपने ड्राइवर दीवान सिंह को कहा, आज रात ही इसे हॉस्टल छोड़कर आओ, तो सामान बाद में भिजवा देंगे। मगर अम्मा, अब छोटे का अंतिम संस्कार कैसे होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अब वो बस एक लाश है जिसका भस्म हो जाना ही बेहतर है। अम्मा ने ऐसा क्यों कहा, किसी को नहीं पता था और ना ही कोई पूछने की स्थिति में था। कुछ तो था जो सिर्फ अम्मा जानती थी। यहां मदन भारी लाशों में आग लगा रहा था और जब छोटी ठाकुर की लाश के पास पहुंचा